एपिसोड की शुरुआत में हमें एक आंख दिखाई जाती है। तभी एक डीमन बोलता है कि हीरो अंदर आ चुका है, अगर तुम उसका शिकार करना चाहते हो तो जल्दी से अंदर आओ। ये सुनकर मिली बोलती है कि नो वे, क्या बड़ा भाई और बाकी सब पकड़े गए? ताऊका बोलता है कि हम सब ठीक हैं, प्लीज इन्हें थोड़ी देर डिस्ट्रैक्ट करो। मिली सोचती है कि डिस्ट्रैक्ट लेकिन कैसे, तभी एक डीमन उसके ऊपर एसिड फेंकता है जिससे उसके कपड़े खत्म हो जाते हैं। मिली बोलती है कि ये सब क्या है, तभी डीमन वापस उसकी तरफ आने लगते हैं। मिली सोचती है कि इन सबको एकदम से क्या हो गया। ये देखकर मार्गरेटा सोचती है कि सभी डीमन ठरकी है, उन्हें रोकने के लिए मुझे भी ये करना होगा, और अब वो अपने कपड़े भी उतार देती है। उन्हें ऐसे देखकर सभी डीमन उनकी तरफ आने लगते हैं। दूसरी तरफ तौका एनरी को बोलता है कि इसका मतलब ये तुम्हारा भाई है? एनरी बोलती है कि हाँ, ये मेरा बड़ा भाई फ्रेडरिक नॉर्डस्टेन है। फ्रेडरिक बोलता है कि एनरी, तुम हीरो की कंपेनियन क्यों बन गई हो, क्या इन्होंने तुम्हें डराया है? एनरी बोलती है कि नहीं, मैं अपनी मर्जी के साथ तौका के साथ हूँ और दुनिया को बचाने का काम मैं जारी रखूंगी। फ्रेडरिक बोलता है, क्यों एनरी, क्या तुम भूल गई 3 साल पहले हमने कितनी मुश्किलें झेली थी? तौका बोलता है कि भूल जाओ, अगर तुम उसके भाई है तो तुम जानते हो कि वो कैसी है। इसके अलावा मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था, लेकिन इसके लिए तुम इनोसेंट लोगों की बलि नहीं दे सकते। मेरी बचपन की दोस्त और मोलान के लोगों का तुम्हारे रिवेंज के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। फ्रेडरिक बोलते है कि मैं भी इन लोगों को शामिल नहीं करना चाहता, लेकिन बदला मेरा असली मकसद नहीं है। तौका हैरान होकर बोलता है, क्या? मेरा मेन मकसद है कि इस दुनिया के सभी रॉयल फैमिलीज को खत्म कर दूं, उसके बाद नेक्रोमेंसर एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां पर सभी नेक्रोमेंसर शांति के साथ रह पाएंगे। तौका बोलता है कि तुम्हारा रीजन चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें ये सेक्रीफाइस नहीं करने दूंगा। फ्रेडरिक बोलते है कि हम नेक्रोमेंसर को मौत की इतनी आदत पड़ चुकी है कि हमारे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, और एनरी तुम भी ऐसे एक्टिंग करना बंद करो कि तुम्हें हीरो की मौत से कोई फर्क पड़ा है। एनरी बोलती है कि सही कहा, जब हीरो की मौत हो या फिर मेरे कंपेनियंस की मौत होती है तब मुझे ज्यादा देर के लिए दुख नहीं होता, लेकिन हीरो ने मेरी जान बचाई थी, इसके लिए मेरा उसे ग्रेटिट्यूड और वो प्रॉमिस जिसे मैं कभी नहीं तोड़ सकता। फ्रेडरिक बोलते है कि प्रॉमिस, वो भी इसके साथ जिसने तुम्हारे सेवियर को मारा? एनरी बोलती है कि तुम गलत हो, वो बस एक एक्सीडेंट था, तौका ने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने फिर भी जबरदस्ती उसे इन सब में घसीट दिया, लेकिन फिर भी तौका ने कभी कंप्लेंट नहीं की और मेरी हमेशा मदद की, इसलिए मैं उसे कभी धोखा नहीं दे सकती। फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ बड़े भाई, लेकिन मेरा प्रॉमिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुमने मर्डर का रास्ता पकड़ा हुआ है। मैं मानती हूँ कि जान बचाने वाला जान लेने वाले से बड़ा होता है। अभी वहाँ पर धमाका होता है और डियागो आ जाता है और वो बोलता है कि तुमने कैसा चेहरा बनाया है स्नोट, अगर वो तुम्हारी बात नहीं मान रही तो उसे खत्म कर दो, क्योंकि मरने के बाद उसकी लाश कभी तुम्हारे ऑर्डर को डिसोबे नहीं करेगी। तभी डियागो डीमन क्वीन को देखकर बोलता है कि मुझे पता था इससे कोई उम्मीद नहीं है। अब डियागो का डीमन उसे खा जाता है। ये देखकर दो डीमन बोलते हैं कि क्वीन एडेल, तौका बोलता है कि वो तो हमारी मदद करने वाली थी। डियागो बोलता है कि मैंने उसे एब्जॉर्ब कर लिया है। डियागो आगे बोलता है कि 4 डिक्स की पावर से फ्री जनरेशन नहीं है, बल्कि हर एक डीमन की अलग अलग पावरफुल मैजिक है। तो चलो अब एक लास्ट गेम खेलते हैं, अगर तुम मुझे नहीं हरा पाए तो तुम टाउन के लोगों को नहीं बचा पाओगे, चलो मुझे एंटरटेन करो तौका स्कॉट। दूसरी तरफ मार्गरेट और मिली भाग रहे होते हैं। मिली बोलती है कि अमेजिंग, ये तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, कितना ब्रिलियंट आइडिया है, तुम बिल्कुल बिग ब्रो तौका की तरह हो। मार्गरेटा बोलती है कि इस बारे में मेरी फीलिंग्स कुछ मिक्स ही हैं। मिली बोलती है कि चलो उन्हें माउंटेंस पर ले जाते हैं जहां पर बिग ब्रो तौका का जाल बिछा हुआ है। मार्गरेटा बोलती है लेकिन बहुत सारे डीमन अभी भी तौका के पीछे जा रहे हैं। मिली बोलती है कि कोई बात नहीं, पापा उन्हें संभाल लेंगे, लेकिन फिर खुद उन डीमन से भाग रहा होता है। तभी शैनन उसे बचाकर बोलती है कि मिली, हम लोग इनका कुछ कर लेंगे और तुमसे रियोंस पर मिलेंगे। अब मिली और मार्गरेटा कुछ डीमन को जाल में फंसा देती है, तभी वहां पर एक बड़ा डीमन आ जाता है। तभी डरोथी अपनी मैजिक पावर इस्तेमाल करके उसे हरा देती है और उसके बाद हमें वो सोई हुई दिखाई जाती है। दूसरी तरफ तौका एनरी भाग रहे होते हैं। तौका बोलता है कि ये किस तरह का गेम है, बिना होली स्वॉर्ड के मैं उन्हें कैसे हराऊंगा। डियागो तौका के आगे आकर बोलता है कि इस तरह भागो मत, मैं कब से इस बैटल का इंतजार कर रहा था। तौका बोलता है कि है, ये बिल्कुल भी फेयर बैटल नहीं है, अगर तुम उससे लड़ना चाहते हो तो उस बंदे को बोलो मेरी होली स्वॉर्ड वापस करे। फ्रेडरिक बोलते है कि है, इसकी बात तुम्हें मत आओ, जितना मैंने इसे देखा है मुझे पता चला है कि ये जाल बनाने में उस्ताद है। तौका बोलता है कि ये काफी रूड है मिस्टर स्नोट, इसीलिए तो एनरी तुमसे हेट करती है, अगर मुझे ट्रैप से बिछाने होते तो मैं उनका शुरू से ही इस्तेमाल करता, इसलिए तो तलवार के अंदर मैंने एक निडल छुपाई हुई है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। डियागो बोलता है कि वो मैजिक जो वो लड़का मोलान में इस्तेमाल कर रहा था। तौका बोलता है कि मैं बस गुस्से में हूँ कि तुमने मेरी दोस्त को मॉन्स्टर में बदल दिया, इसीलिए मैं अपने आप बदला लेना चाहता हूँ। डियागो बोलता है कि मास्टर इसकी स्वॉर्ड इसको वापस दे दो, मैं इसे हरा कर अपनी ताकत दिखाना चाहता हूँ। तौका बोलता है कि तो ये डिसाइडेड है, चलो टॉप ऑफ द टावर लड़ते हैं। डियागो बोलता है कि टावर ऑफ सेक्रीफाइस, हाँ, या तो तुम्हारा सेक्रीफाइस होगा या फिर मेरा। दूसरी तरफ ये सुनकर एथल बोलती है कि अच्छा तो फाइनल बैटल शुरू होने वाली है, भले ही मैं उसकी अलाय हूँ लेकिन मुझे डियागो पसंद नहीं, इसके अलावा अपने डिसाइपल की हेल्प करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब टावर में डियागो बोलता है कि सॉरी, मैं बोल्टेक्स की बॉडी इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाऊंगा तो मुझे मजा नहीं आएगा। तौका बोलता है कि होली स्वॉर्ड तुम्हारी रीजनरेशन एबिलिटी को रोक सकता है ना, तो मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए इतना बड़ा टारगेट देने के लिए। ऐसा बोलकर तौका बड़ी तलवार करके उस पर हमला करता है, लेकिन डियागो
बहुत तेजी से ताउका के पीछे आ जाता है और उसे पंच मार कर दूर गिरा देता है। डियागो बोलता है कि आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे मूव्स पढ़ सकता हूँ, इन द एंड तुम हो तो विलेजर ही। अब तुम ये मत कहना कि तुमने ऐसे सोचा था कि तुम ऐसे मुझसे जीत जाओगे, क्या तुम अपने आप को हीरो समझ रहे हो? ताउका हंसकर बोलता है कि ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तभी वहाँ पर धमाका होता है, डियागो नीचे गिर जाता है। ताउका बोलता है कि तुमने कैसे सोचा कि मैं फेयर लड़ूंगा, इडियट। डियागो बोलता है कि उसने टावर को ही उड़ा दिया। तभी उसे बिजली के झटके लगने लगते हैं और अब हमें ताउका का प्लान बताया जाता है, जिसमें कि ताउका बोलता है कि मैं जब टावर को उड़ाऊंगा उसके बाद डियागो पानी में गिर जाएगा, उसके बाद तुम अपनी पूरी लाइटनिंग के साथ उस पर हमला कर देना, उसके बाद डियागो अपनी पूरी मैन अपने आप को रीजनरेट करने में लगा देगा। डियागो बोलता है कि अच्छा तो ये सब एथल कर रही है, इसका मतलब ये सब ताउका की चाल थी। दूसरी तरफ फ्रेडरिक बोलते है कि अच्छा तो ये तुम्हारा ट्रैप था, लेकिन ये फेल हो गया क्योंकि तुम मुझे नहीं गिरा पाए। तभी हीरो सियोन की बॉडी उसे लात मार के दूर गिरा देती है। अब एथल बोलती है कि जल्दी से इसे पोजेस करो और डियागो को खत्म करो। अब ताउका सियोन की बॉडी में भाग कर बोलता है कि अगर वो इस वक्त नहीं हिल सकता तो मैं उसे पक्का मार सकता हूँ, लेकिन मैं कोई मौका नहीं देना चाहता। ऐसा बोलकर ताउका सोमा ड्रॉप पी जाता है। अब ताउका डियागो को ऊपर से तलवार के साथ हमला करता है और बोलता है कि लगता है सब सही गया। तभी ताउका तलवार की टिप देखकर बोलता है कि ये टूटी हुई क्यों है, कि तभी उसका हाथ कट जाता है। ताउका का हाथ हिल हो जाता है, वो बोलता है कि ये सब क्या हुआ, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बॉडी होली स्वॉर्ड की वजह से रीजनरेट नहीं कर सकती। डियागो बोलता है कि वेल तुम्हारा हमला मुझ तक पहुंचा ही नहीं। ताउका बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है और वो फिर हमला करता है। तभी ताउका का हमला बीच में रुक जाता है। डियागो बोलता है कि ये मैजिक एब्जॉर्प्शन की पावर है जो कि सभी मैना मैजिक को एब्जॉर्ब करती है। अब डियागो एथल के इलेक्ट्रिसिटी वाले हमले को भी रोक देता है और बोलता है कि पीछे के अटैक भी काम नहीं आएंगे क्योंकि ये भी मेरे मैना में कन्वर्ट हो जाएंगे। एथल बोलती है लेकिन पहले तो तुम इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। डियागो बोलता है कि वेल वो तो मैं खेल रहा था, मैं ये देखना चाहता था कि तुम क्या करने वाले हो, और अब तुम हीरो बॉडी में भी वापस आ गए, अब तो ये पूरे 3 साल पहले वाले की तरह फाइट हो गई, इसमें बहुत मजा आएगा। ताउका सोचता है कि मैजिक हमले उस पर काम नहीं आएंगे। तभी वो खंबे को तोड़कर डियागो के ऊपर फेंक देता है और बोलता है कि फिलहाल मुझे इस तरह उस पर हमला करना होगा। डियागो बोलता है कि होली स्वॉर्ड का हमला ही मुझे मार सकता है, तुम जानते हो ना। ताउका भागते हुए बोलता है कि मास्टर भागो, फिलहाल हमें अपने प्लान को रिवाइज करना होगा। तभी फ्रेडरिक एथल के पास आ जाता है। एथल बोलती है कि ओ मैं सोच ही रही थी कि तुम अब तक क्यों नहीं आए। दूसरी तरफ ताउका बोलता है कि एनरी योना। एनरी बोलती है कि हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। ताउका बोलते है कि हाँ, हीरो सियोन ने उस डिमन को 3 साल पहले हराया था। एनरी क्या तुम जानती हो कि कैसे? एनरी बोलती है कि जब मैं सियोन से मिली थी उसने पहले ही चरण डिक्स को हरा लिया था, शायद डोरोथी कुछ जानती होगी। ताउका बोलता है कि डोरोथी मेरी आवाज आ रही है, लेकिन उसकी तरफ से सोने की आवाज आती है। योना बोलती है कि अरे ये तो सो रही है। ताउका बोलता है कि डैम इट, इतने क्रूशियल टाइम में भी। तभी योना बोलती है कि मैंने उस डिमन को पहले भी देखा था जब हीरो सियोन ने उसे हमारी सिटी में हराया था। ताउका बोलता है तो तुम्हें पता है कि हीरो ने उसे कैसे हराया था? योना बोलती है हाँ, लेकिन मैं बहुत दूर खड़ी थी इसलिए ज्यादा याद नहीं, लेकिन हीरो ने अपनी तलवार की बहुत सारी ब्रांचेस बनाई थी, ऐसा कि जैसे उस डीमन को पता ही नहीं चल रहा था कि कब उस पर हमला हो रहा है। ताउका बोलता है कि अच्छा तो उसे हमारे हमलों के टाइमिंग का पता नहीं चलना चाहिए। तभी मार्गरेटा बोलती है कि इस वक्त मैं टॉप पर हूँ ताउका। ताउका बोलता है कि परफेक्ट टाइमिंग, एक काम है जिसे कि तुम ही कर सकती हो। अब डियागो ताउका को बोलता है कि हे हम शो के क्लाइमेक्स में है तो इस तरह छुपना बंद करोगे? ताउका बोलता है कि सही कहा, अब हम और नहीं भागेंगे। तभी मार्गरेटा पीछे से डियागो पर हमला कर देती है। अब ताउका मारा साइड की मदद से देखता है और बोलता है कि मुझे पता था तुम उन हमलों को नहीं रोक सकते जिन्हें तुम देख नहीं सकते, और ये एब्जॉर्प्शन मैजिक एक शील्ड की तरह है ना, जिससे तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से कवर भी नहीं है। डियागो बोलता है कि इस शील्ड को मैं अपनी मर्जी से बढ़ा भी सकता हूँ, हिला भी सकता हूँ, इन्हें देख सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इन्हें हरा दोगे। ताउका जमीन के नीचे से तलवार के साथ हमला करने लगता है तो डियागो बोलता है कि मैं नीचे भी शील्ड बना दूंगा, लेकिन ताउका उसके पीछे से हमला करता है। ये देखकर डियागो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि पीछे शील्ड नहीं है? ताउका बोलता है क्योंकि मेरे पास एक और आंखों का पेयर है। आगे ताउका मन में सोचता है कि योना मेरे साथ जुड़ी हुई है, इसलिए माना साइट को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए योना भी उन्हें देख सकती है। अब योना ताउका को बताती है कि कहाँ पर हमला करना है और ताउका लगातार हमला करते रहता है। अब ताउका बोलता है कि क्यों ना अपनी बॉडी को पूरी तरह से ढक दो, उसके बाद तुम्हारा मैना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तभी डियागो ताउका का हाथ काट देता है। ताउका बोलता है क्या होली स्वॉर्ड के डैमेज के बाद भी तुम हील कर पा रहे हो? डियागो बोलता है कि ये बॉडी बस एक लाश है, इसलिए नेक्रोमेंसी की मदद से मैं इसे हील कर रहा हूँ। ताउका बोलता है कि अगर ये ज़ॉम्बी है तो इसका मतलब मुझे इसका गला काटना होगा। तभी योना बोलती है कि इसके गले में ही सबसे ज्यादा सेफ्टी है। ताउका बोलता है कि इसका मतलब इसके साथ लड़के मुझे इसका मैना खत्म करना होगा जब तक कि अपनी वीकनेस ना दिखा दे। वहीं मार्गरेटा सोचती है कि मिली किसी भी टाइम यहाँ पर आती होगी, तब तक मुझे ताउका को सपोर्ट करना होगा। तभी पीछे से कार्नी बोलता है कि मैं तुम्हें और ज्यादा इंटरफेयर नहीं करने दूंगा। दूसरी तरफ फ्रेडरिक एथल के साथ लड़ते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ना चाहता, मैंने सोचा था कि हम अलाए हैं, लेकिन तुम डियागो को क्यों मारना चाहती हो? एथल बोलती है कि बाद में वो जरूर तुम्हारे रास्ते का कांटा बनेगा, इसलिए अच्छा होगा कि हम अभी उसे खत्म कर दें। फ्रेडरिक बोलता है कि मैं अपने और साथियों को नहीं खो सकता। एथल बोलती है कि वेल तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो। वहीं ताउका और डियागो की फाइट में ताउका बार बार उसे काट कर थक जाता है। डियागो हंसकर बोलता है कि एक ज़ॉम्बी की फाइट, कि किसका मैना पहले खत्म होता है, कितना
मजेदार है। ताओका बोलता है कि तुम्हें सच में मजा आ रहा है, तुम्हारी शील्ड तो छोटी होती जा रही है। डियागो बोलता है कि तभी तो मजा आ रहा है, तुमने मुझे कॉर्नर कर दिया है, जब मैं हेल में था तब बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा था, मुझे जीने के लिए थ्रिल चाहिए था, इसीलिए तुम्हें इंसानों से बदला ले रहा हूँ। मैं पीसफुल दुनिया को डेथ और मैडनेस के साथ भरना चाहता हूँ, जैसा कि हेल में था। ताओका बोलता है कि अपने घटिया डिजायर के लिए हम सबको इसमें मत घसीटो। डियागो बोलता है कि एक दिन तुम मेरे थॉट जरूर समझोगे। ताओका हमला करते हुए बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं बस शांति के साथ सुंदर लड़कियों के साथ जीना चाहता हूँ। तभी ताओका नीचे गिर जाता है। एमरी और योना बोलती है कि क्या हुआ। ताओका सोचता है कि इस टाइम पर सोमा ड्रॉप का साइड इफेक्ट। डियागो बोलता है कि ये तुम्हें एकदम से क्या हो गया, खैर छोड़ो अब मेरे दोस्तों के आने का टाइम है। तब वहाँ पर बहुत सारे डिमन आ जाते हैं। डियागो बोलता है कि लगता है तुम्हारे गेम ओवर हो गई। ताओका बोलता है कि अभी नहीं। ताओका तलवार की शेप चेंज करके डियागो पर हमला करता है, लेकिन उसकी तलवार की नोक ही टूट जाती है। डियागो उसे लात मार के बोलता है कि तुम्हारे अंदर तो इतना मैना भी नहीं बचा कि मेरा गला काट सके। अब ताओका सोचता है कि मेरे पास एक और सोमा ड्रॉप है, लेकिन योना बोलती है कि मत करो, तुमने इसका बहुत ज्यादा ओवरडोज ले लिया है। ताओका बोलता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, जैसे कि उसकी ओरिजिनल बॉडी कहाँ है हमें नहीं पता, और इतने कम मैना लेवल पर अगर एनरी ने मेरी बॉडी ली तो मैं पैरालाइज हो जाऊंगा। अब ताओका सोमा ड्रॉप पीक कर बोलते है कि मेरे पास यही रास्ता है और अब परफेक्ट चांस है उसे खत्म करने का। अब ताओका फिर से नीचे गिर जाता है। ये देखकर डियागो बोलता है कि हे अपने आप को खत्म मत करो, इस तरह तो हमारी फाइट का मजा ही खत्म हो जाएगा। वहीं दूर से बेलार को बोलते है कि हे फेक हीरोज, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए, ऑब्वियसली उन्हें मेरी आवाज नहीं आ रही है। अब एनरी सोचती है कि क्या मैं ताओका की बॉडी ले लूं। आई एम श्योर इस वक्त ताओका भी यही चाहता है कि मैं योना को बचाऊं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। अब एनरी जैसे ही ताओका को छूती है, वो बोलती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ताओका अभी भी जिंदा है। और अब वो योना को बोलती है कि योना मुझे माफ कर दो, मैं ताओका पर विश्वास नहीं छोड़ सकती। योना बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। एनरी बोलती है कि मुझे ताओका के उठने तक उसे टाइम दिलाना होगा। तभी ऊपर से मरे हुए डीमन के ऊपर से कानी बोलता है कि ये रोल मैं तुमसे लेता हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि ताओका उठ जाए, वरना मेरा बदला तो बर्बाद हो जाएगा। डियागो बोलता है कि कौन हो तुम। तो वो आदमी बोलता है कि तुम मुझे नहीं जानते, इसलिए तुम्हारे जीने का फायदा नहीं, मैं हूँ काय, पुराने हीरो का मेंबर और जिसकी एग्जिस्टेंस भगवान के इक्वल है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।